रही हूँ चॉकलेट कपकेक। इसके लिए मुझे चाहिए है मैदा, कोको पाउडर, चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, 1 egg, वनीला एसेंस एंड मिल्क। सबसे पहले 1 cup ऑफ मैदा लिया है, ऑल पर्पज फ्लावर, जिसको मैं अच्छी तरीके से छान रही हूँ ताकि सारी एयर पास हो जाए। और मेजरिंग कप से ये सब चीज़ें मैंने ली हैं और आप लोग भी इसी से तरीके से लीजिएगा। इसके बाद मैंने ऐड करा है कोको पाउडर, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 1/3 cup मैंने कोको पाउडर ऐड करा है, टेबल स्पून में मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। इसके बाद मैं ऐड करने वाली हूँ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, इसके भी टीस्पून मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी, जो कि आपको मेजरिंग स्पून से ही मेजर करके लेने हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें सारे इंग्रेडिएंट्स को और साइड में रख दें। इसके बाद मैंने 1/2 cup ऑफ बटर लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं, 6 tablespoons। इसको अच्छी तरीके से मैंने बीट कर लिया है 2 से 3 minutes तक, ठीक है। अब मैं ऐड कर रही हूँ 12 tablespoons ऑफ शुगर, इसको भी आप अच्छी तरीके से बीट कर लें, हाथ से करना चाहे हाथ से कर लें, मशीन है तो मशीन से कर लें। अच्छी तरह 2 से 3 minutes के लिए हर इंग्रेडिएंट डाल के आपको मिक्स करना है, कुछ इस तरह से दिखने का। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 egg रूम टेम्परेचर पे, एग हमेशा बेकिंग के लिए रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसको भी अच्छी तरह से बीट कर लें, वो भी कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ 1/4 teaspoon। अब मैं 1/2 cup ऑफ मिल्क ऐड कर रही हूँ, रूम टेम्परेचर पे मिल्क है मेरा। और अब इन सब को मैं अच्छी तरीके से बीट कर रही हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हैं। ये देखें सारे मेरे इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से हो गए हैं। अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने लगी हूँ, सब एक साथ नहीं डालना है, आहिस्ता आहिस्ता करके अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालना है, बीट करना है। अब मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, अब मेरा बैटर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको कपकेक में डाल रही हूँ और मेरा ओवन प्री हीट पे है, मेरे गैस का ओवन है तो उसकी टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट है, तो आप अपने ओवन की टाइमिंग के देखते हुए इसको बेक करिएगा। इसको तरह अच्छी तरह से हिला लें। मैंने 170 डिग्री पे जो है मैंने प्री हीट करा था अपना ओवन, आप अपने ओवन के हिसाब से करिएगा। ये देखिए अब मेरे जो कपकेक हैं वो रेडी हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।